देशभक्ति पे पिक्चर बनाओ, ठांस के पैसा कमाओ, चुपचाप घर जाके सो जाओ। पब्लिक तो यहाँ बेवकूफ है, और सबसे बड़े बेवकूफ तो हम रिव्यूअर हैं जो यहाँ शाम से वेट कर रहे थे कि यहाँ पिक्चर देख के उसका रिव्यू करना है। नमस्कार मेरे टूगो सब्सक्राइबर, आज मैंने एक पिक्चर देख के कंप्लीट करी है, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। मतलब एक दिन पहले ही शेर शाह पिक्चर रिलीज हुई थी, जिसकी सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, कास्टिंग इतनी तारीफें करी थी, मतलब कुछ चीज़ें तो तारीफ करना भूल ही गया था। लेकिन आज एक ऐसी महान पिक्चर रिलीज हुई है जिसका रिलीज होने का तात्पर्य कारण समझ ही नहीं आया। भाई क्यों रिलीज कर दी इस पिक्चर को, बनाया क्यों था? मतलब देशभक्ति का टाइम चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, एकदम सब लोग जोश में होंगे, बड़े बड़े डायलॉग बुलाओ, सोनाक्षी सिन्हा से डायलॉग बुलवाओ, एक चाकू से एक बार में शेर को बाघ को काट के फेंकवा दो, मतलब इतनी पावरफुल लेडी उनको दिखा दो, मतलब यही तो रह गया है बॉलीवुड में भाई साहब। चलो सीधा बात करते हैं भुज मूवी के रिव्यू के बारे में। 1 घंटा 53 मिनट की पिक्चर है। जैसे स्टार्ट होती है लगता है जैसे क्लाइमेक्स में पहुंच गए हैं। अबे इतना एक्शन यार, वाइल्ड क्राफ्ट के सीनों, प्लेन उड़ते जा रहे हैं, ये यहाँ लैंड हो रहा है, फिर 2 दिन पहले कहानी, 4 दिन पहले कहानी, बात की कहानी। अबे यार ये डायरेक्टर ना सस्ते नशे करता है पक्का। हाँ करे भी क्यों ना, क्योंकि ये बंदे ने पहली पिक्चर कोई बॉलीवुड में डायरेक्ट करी, इससे पहले इन्होंने टीवी सीरियल डायरेक्ट करे, तो टीवी सीरियल के 2-3 एक्टर को भी पकड़ा है। और सोनाक्षी सिन्हा को पकड़ने की क्या जरूरत थी भाई, जैसे ही मुंह खोलती है बस बंद कर लो, मुंह दिखा के बस वापस जाओ, अच्छा होगा। 30 मिनट तक इतना ज्यादा एक्शन चलता है, मतलब क्लाइमैक्स ही चल रहा है पिक्चर का, कुछ नहीं चल रहा है, बस प्लेन आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, और इतना खराब VFX, कसम से यार इतने चीप VFX, वो फाइटर जेट के वो जो पीछे से उनके इंजन का जो फायर होता है उसको इस तरह से दिखाया गया जैसे गेम्स में दिखाया जाता है। भैया PUBG नहीं खेलते हो क्या, बनाना सीख लो कैसे वैसे बनाते हैं। वैसे PUBG में प्लेन नहीं उड़ाते, सिर्फ पेलोड वर्जन में एक आया है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की कहानी। कहानी कौन सी है, ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर देखा तो कहानी क्यों पूछ रहा हो भाई साहब। भुज एयरबेस है, उस पर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कर दिया, उसको रिपेयर करवाना है, 120 सैनिक है। बॉर्डर पिक्चर देखे हो, क्लाइमैक्स जो फिल्म का है वो बॉर्डर फिल्म का पूरा एकदम है, मतलब 120 सैनिक है, उनको रोकेंगे, तब तक भुज एयरबेस जो है रिपेयर होगा। और भुज एयरबेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट था भाई साहब वो, एयरपोर्ट। हाँ ये पिक्चर में बोला गया है, एक दो जगह बोला गया, कुछ जगह डब करके फिर एयरबेस, अच्छा एयरबेस था, एयरबेस कर लेते हैं। वो भी पिक्चर का ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी है, मतलब वाह, ट्रू इवेंट्स में बेस्ड मूवी है, उसकी स्टार कास्ट इतनी दमदार रखी हुई है, 2-3 लोगों को छोड़ के नाम बताऊंगा अभी उनके। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टार कास्ट के बारे में, बात कर रहे हैं तो एक्टिंग की बात कर लेते हैं। अजय सर की एक्टिंग पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, काम ज़्यादा है ही नहीं भाई, 1 घंटा 53 मिनट की मूवी है, 15 मिनट तक दुनिया भर की नौटंकी चलती रहती है, 1 घंटा 40 मिनट सिर्फ स्क्रीन प्ले है बस, आगे तो ये यहाँ पे क्रेडिट सीन दिखाए जा रहे हैं, लास्ट के सीन गाने बज रहे हैं वगैरह वगैरह। अभी मैं देशभक्ति के मुद्दे पर नहीं आया हूँ, अभी सिर्फ बात पिक्चर की चल रही है, एज ए रिव्यूअर जो पिक्चर मैंने देख के फिनिश करी है उसका रिव्यू। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई साहब, आप पिक्चर देखिए जाके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना देखूँ, मैं बस बता रहा हूँ फिल्म में होता क्या है। संजय दत्त सर के 2-4, 5-6 डायलॉग होंगे, 10-15 मान लो, बस उससे ज़्यादा कोई डायलॉग नहीं। अजय देवगन सर का भी बस काम उतना ही है। सबसे अच्छी बात तो इसमें थी कि 2 एक्ट्रेस नोरा फतेही और सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही का बहुत ज़्यादा काम नहीं था, और उनके 1-2 सीन कार्ड भी दिए गए जो कि बहुत बढ़िया था। एक गाना रिलीज़ किया था जालिमा कोका कोला पिला थे, वो तो था ही नहीं मूवी में, अच्छा था, वरना ये भी बढ़िया होता कि वॉर फिल्म में एक बढ़िया एकदम पैट्रियोटिक मूवी में हम ये गाना भी सुनना पड़े, वो अच्छी बात थी कि था नहीं, कट कर दिया गया। अब शरद केलकर सर की बात करें तो उनका भी काम बहुत ज्यादा नहीं, देखो इस मूवी में किसी का काम ज्यादा है ही नहीं, मतलब हर बंदा इतना अपना अपना काम कर रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इतनी मतलब वहां की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों को तोड़ के बनाती थी, पर दिखाया नहीं गया कि कौन से घर तोड़े, कहां क्या किया। इतना फास्ट फॉरवर्ड पिक्चर है, डायरेक्टर को बहुत जल्द जाके दूसरे अपने टीवी सीरियल के अगले एपिसोड की शूटिंग करनी रही हो शायद। मतलब तानाजी मूवी आपने देखी थी अजय देवगन सर की जो पिछली वाली आई थी, उसके बाद ऐसी मूवी, अच्छा हुआ हॉट उस पर OTT पे आ गई, लोग बोल रहे थे भाई थिएटर में आती तहलका मचाती, अगर घंटे का तहलका मचाती इमोशन के नाम पे। देखो देशभक्ति पिक्चर हो तो फिर उसमें इमोशन का कितना बड़ा रोल होता है, शेर शाह में हमने देखा, इसमें इमोशन के नाम पे क्या है, 2 सेकंड की बिटिया की क्लिप दिखा दी, 4 सेकंड उनकी पत्नी की क्लिप दिखा दी, सोनाक्षी सिन्हा के वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे क्यों कहा था उन्होंने तुम्हारे, तुम ऐसे डायलॉग बोलो, इसलिए उन्होंने ये इतने सारे गीता में उपदेश दिए थे, बंद करो। हाँ अच्छी बात यह है कि उनके 2-4 डायलॉग के बाद वो चुपचाप बंद हो जाती, बस खड़े खड़े गिट्टी मारंग काम जो उनको सूट भी करता है वही करती रहती है। चलो मूवी इस तरह से एंडिंग पे पहुंच के बस फाइट वाइट होती है, पिक्चर खत्म,
हाँ एक दो लोग मर भी जाते हैं उसमें, थोड़ा सा इमोशनल डालने की कोशिश की गई है, लेकिन जब किसी कैरेक्टर को मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है, तो फिर काहे का इमोशन भाई साहब, काहे का इमोशन, जब मुझे पता ही नहीं कि ये कैरेक्टर कौन है। मुझे तो यही नहीं पता कि अजय देवगन सर का उसमें काम क्या था, उनको कास्ट क्यों किया गया था, हाँ लास्ट में केवल एक प्लेन को लैंड कराने के लिए। तो आपको अगर ये पिक्चर देखनी तो देखे जाके, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ शेरशाह से कंपैरिजन। अबे यार आज के ज़माने पे जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, सलमान भाई की जो राधे मूवी आई थी इतनी ज़्यादा बकवास नहीं थी, फिर भी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ही निगेटिव किया कि मतलब हाँ इसके केवल एक हेलीकॉप्टर का लास्ट में सीन था, इतना चीप। अरे इसको देखो जाके पता चलेगा कि मेकिंग क्या होती है। हाँ कुछ नया जरूर ट्राई किया है बॉलीवुड ने कि मतलब एक्शन सीक्वेंस जो फाइटर प्लेन वाले पहली बार हमने देखे हैं बॉलीवुड की मूवी में, इतना ज़्यादा एक्शन वाली मूवी पहली बार बनाई, पर थोड़ा काम वीएफएक्स भी कर लेते। ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी है, मतलब हर बार इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा उठा दो पाकिस्तान, हाँ लास्ट का तो अरे भाई क्लाइमेक्स का वो संजय दत्त सर वाला फाइटिंग सीन कैसे भूल सकता हूँ, मतलब पाकिस्तानी सैनिक 50-60 ऐसे आ रहे हैं जैसे केसरी मूवी में अक्षय कुमार लास्ट में नहीं लड़ते हूँ मुगलों से, मतलब अकेले तलवार लिए बंदा खड़ा, सारे लोग घेरे पड़े हैं, बस उस तरह आ रहे हैं लोग, मारे काटे जा रहे हैं, उन भाई साहब को कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि वो महान है, वो हीरो दिखाए गए हैं। फिल्म इसी तरह खत्म हो जाती है, मुझे नहीं पता आप लोगों की पिक्चर कैसी लगेगी, लेकिन ये शेरशाह के जैसे तो बिल्कुल नहीं है, और गुस्सा इस बात से आ रहा है क्योंकि कल ही मैंने शेरशाह देखी थी, जैसा कि पहले बताया भाई उस पिक्चर का हर एक सीन ही अलग था, इसको पता नहीं किस तरह से बना दी गया, इतना फास्ट फॉरवर्ड मूवी है पूरा डिसपॉइंट करेगी यार। हाँ अगर आप एक देशभक्त की तरह देखना चाहते हो, मतलब देशभक्त की तरह, देशभक्त तो सभी होते हैं, देश से प्यार सभी करते हैं, मिर्जा का डायलॉग नहीं सुनोगे, मिर्जा का टीजर देख लेना, अगर इस वीडियो को डिसलाइक करने का मन कर रहा हो तो फिर पता चल जाएगा कि क्या मेकिंग होती है। मैं बात सिर्फ फिल्म की कर रहा हूँ, बाकी देश मेरे नाम का लास्ट में गाना है वो अच्छा है, पर पिक्चर का कोई मतलब बनता नहीं यार, टीवी इवेंट्स पे बस केवल बोल के पिक्चर बना के कट करके बस आपको पहुंचा दिए। आप बताइए फिल्म कैसी लगी, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ एग्री करते हो या नहीं बताओ, और सकल अगला वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्या है सब्सक्राइब करो, इतना सारा भाषण दिया, ओके मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद, चिल्ला के बोलना पड़ेगा जय हिंद, सुना जय हिंद।